आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं गीता अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हैप्पी दीपावली दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने और ये रहा मेरा रंगोली का कलर और मैंने इसमें लिया है सिर्फ 5 कलर जिससे मैं रंगोली बनाऊंगी और मैं आपको बता देती हूँ मैंने कौन कौन से कलर लिए हैं। तो दोस्तों मैंने लिया है ग्रीन, वाइट, पर्पल और पिंक और ये रहा रेड। तो मैंने लिए हैं कुल 5 कलर जिससे मैं रंगोली बनाऊंगी और बाहर पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी रंगोली बना रही हूँ। मुझसे इतनी अच्छी रंगोली तो नहीं बनती है पर फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ रंगोली बनाने की। आई होप कि आप सबको पसंद आए और मैं रंगोली लास्ट में दिखाऊंगी आपको बनने के बाद। गाइस अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो गाइस मैंने आटा गूंथ दिया है और तेल भी गर्म होने को जा रहा है। तो गाइस मेरी पूरी भी बनने जा रही है। तो यहाँ पर बन रही है खीर। तो गाइस मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे करनी है लक्ष्मी पूजा की तैयारी। तो गाइस हम सबसे पहले करने जा रहे हैं देवी पूजन की तैयारी और ये है कलश जिसके अंदर भरे हैं मैंने खिल्ले और आप इसमें चावल भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें खिल्ले भर रखे हैं और ये है पान के पत्ते और जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। और पान के पत्ते शुभ माने जाते हैं लक्ष्मी पूजन के दिन। तो मैंने पान के पत्ते लिए हैं जो मैं इस तरह से इसके ऊपर लगाऊंगी। तो गाइस अब मैंने पान के पत्ते लगा दिए हैं और इसके ऊपर रख दिया है दिया और इसको मैं रखूंगी दरवाजे के सामने। तो ये आज के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों अब मैं कर रही हूँ दहली पूजन। दिवाली के दिन दहली पूजन काफ़ी शुभ माना जाता है और ये देखें ये जो कलश है मैं अभी जो दहलीज में रख रही हूँ इस पर लक्ष्मी माँ अपने पैर लगा के अंदर को प्रवेश करती है और ये आज के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है।